ह्यूमन आई, देखो ह्यूमन आई का रूल नंबर वन, ह्यूमन आई के अंदर लेंस पड़ा होता है, आई का लेंस, आई का लेंस कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है कोई ना कोई, एक आंख का ही ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। अगर मैं एक नॉर्मल आई की बात करता हूँ वो, या कोई भी आई की बात करता हूँ, वो इमेज कहाँ बनाएगा? स्क्रीन पे। स्क्रीन कहाँ पर है? रेटिना। नॉर्मल लेंस में क्या होता है, अगर आप यू चेंज करते हो तो वी चेंज होता है। आंख के लेंस में वी कभी चेंज नहीं होता क्योंकि इमेज हमेशा रेटिना पे बननी है। आप चाहे इस ऑब्जेक्ट को देख लो, चाहे उसको देख लो, चाहे स्टार को देखो, मून को देखो, यू चाहे इन्फिनिटी कर लो, चाहे आप किताब पढ़ लो, इमेज तो रेटिना पे बनेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा लेंस है जो वी हमेशा फिक्स रखता है? आई का लेंस है, क्योंकि आई का लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, फ्लेक्सिबल है, अकोमोडेट करता है, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। तो आई का लेंस की फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये बाय नेचर ही है, वो कैसे करता है ये पता नहीं कैसे करता है। ठीक, दूसरी चीज, अब कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो है किताब जब पढ़ता है वो 25 सेंटीमीटर पे रख के किताब जब पढ़ेगा उसकी इमेज रेटिना पे बिल्कुल सही बैठती है, राइट? तो 25 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस बड़ा फिक्स डिस्टेंस है। किताब को नॉर्मल आई, पास की चीज अगर देखनी है तो 25 सेंटीमीटर पे रखेगा तो एकदम सही दिखेगा, दूर या पास करेगा तो ब्लर दिख सकता है, राइट? तो और नॉर्मल आई जिसके ऐनक नहीं लगी हुई वो कितनी दूर की इमेज ऑब्जेक्ट को देख सकता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। वो चाहे स्टार को देखे उसको स्टार भी क्लियर दिखेगा। अगर मैं ऐनक उतार के देखूंगा मुझे यहाँ से यहीं से ब्लर दिखना स्टार्ट हो गया, स्टार तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी आंख के लिए मेरी नॉर्मल आई नहीं है, या जिसके ऐनक लगी हुई नॉर्मल आई नहीं है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस को नहीं देख सकता। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर के डिस्टेंस को नहीं देख सकता, उसको ब्लर दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर के पास रखोगे तो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली इसको ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, आपने सुने भी होंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। नाम उल्टे हैं, नियर साइटेडनेस का मतलब है दूर की नजर खराब है और फार का मतलब पास की खराब है, पास की चीजें नहीं दिखती। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस एंड इट्स करेक्शन। एक पॉइंट को समझ लें, अगर एक नॉर्मल आई जिसके ऐनक नहीं लगी हुई वो कितनी दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है? इन्फिनिटी। तो कितनी दूर के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं? फार पॉइंट। तो एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, तो इनफाइनाइट के डिस्टेंस को भी अपनी इमेज को वो रेटिना पे बना लेता है। लेकिन मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, मैं बहुत दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाता, मेरा फार पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर है बस, मुझे ये क्लियर दिखता है बिना ऐनक के, लेकिन इसके बाद मुझे ब्लर दिखता है। तो जो डिफेक्टिव आई है उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं होता। तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी है, पर मेरी जो डिफेक्टिव आई, जो हो चुकी डिफेक्टिव, तो उसका फार पॉइंट क्या है? सिर्फ 1 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर कोई चीज़ 1 मीटर पे है तो मैं रेटिना पे बना लूंगा, इसके बाहर रेटिना पे नहीं बनती। कहाँ बनती है? बिना ऐनक के यहाँ बनती है। अगर मैं बहुत दूर की चीज़ों को देखता हूँ तो वो यहाँ कहीं इमेज बनाता है, ये मेरी स्क्रीन नहीं है, ये मेरा रेटिना नहीं है, तो इसलिए मुझे क्लियर नहीं दिख पाता। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मुझे क्लियर देखना है तो मैं इन्फिनिटी को तो देख नहीं पाता, बहुत दूर की चीज़ों को देख नहीं पा रहा, मेरा फार पॉइंट 1 मीटर है सिर्फ। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे F, मतलब फार पॉइंट पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, हाँ मेरे जो आई डिफेक्टिव आई है वो यहाँ इमेज बनाएगा। तो ये डायग्राम डिफेक्टिव आई का डायग्राम है। नॉर्मल आई तो इन्फिनिटी को भी वहाँ बनाती है रेटिना पे, डिफेक्टिव आई फार पॉइंट यहीं पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो रेटिना पे बनाएगी, दूर रखोगे तो ब्लर दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसी आंखों के लिए क्या लगेगा? चश्मा। तो ये चश्मा लग गया, ये मेरा चश्मा है तो दूर की चीज़ों को सही दिखाता है, और ये कनकेव लेंस है, तो दूर की जिनकी जो आई साइट खराब है कनकेव लेंस से बना होगा। कनकेव क्या करता है? देखो सिर्फ आपकी डिफेक्टिव आई को धोखा देता है। कैसे धोखा देता है? ऐनक लगा ली, आपने देखना किसी है बहुत दूर की चीज़ को देखना है, आपकी नॉर्मल आई तो देख नहीं पाएगी, तो आपकी रेज जब इस कनकेव में जाएंगी ये डाइवर्ज करेगा और इसकी इमेज यहाँ बना देगा। कहाँ बनाएगा? जहाँ आँख देखना चाहती है,
आंख कहाँ देखना चाहती है, उसका फायर पॉइंट पे। तो जैसे मान लो मेरे को उसको देखना है, तो मेरा चश्मा क्या कर रहा है, रेज चश्मे में आ रही है और मैं उसको देख तो पाऊंगा नहीं बिना चश्मे के, तो रेज उसकी इमेज यहाँ बनाएगी क्योंकि मेरी आंख यहाँ पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देख पाती है, तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी और यहाँ से मेरी आंख इसको ऑब्जेक्ट मानेगी इसकी इमेज को, और इमेज कहाँ बना देगी, रेटिना पे। मतलब इस आंख इस लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, इमेज यहाँ पर है, और आई को लगता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, फार पॉइंट पे, तो इमेज रेटिना पे बना देती है। तो कुछ नहीं है, डिफेक्टिव आई को तो ठीक नहीं कर सकते, पर उसको उसकी पसंद के डिस्टेंस पे तो कम से कम इमेज बना ही सकते हैं, और जो उसका एफ पॉइंट है। तो समझ में आ रहा है चश्मा क्या कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक? तो डिफेक्टिव आई किसी भी ऑब्जेक्ट को एफ पे रखना ही पसंद करेगी, तभी वो आई रेटिना पे बनाएगी। तो चश्मा क्या करता है, जो भी आप चीजें देखते हो उसको एफ पे बनाना शुरू कर देता है इमेज को, और आई के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसकी इमेज रेटिना पे बन जाती है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये बताओ, जो न्यूमेरिकल चलेंगे वो आंख के लेंस के लिए नहीं चल सकते, वो वैसे भी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, और वो भी डिफेक्टिव। तो जो न्यूमेरिकल आएगा वो चश्मे पे आएगा, कनकेव लेंस पे आएगा। तो इस कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है बोलो, इन्फिनिटी। इमेज वो कहां पर बना रहा है, एक्स पे, एक्स का मतलब ये एक्स है, एक्स को बोलते हैं फार पॉइंट, एक्स का मतलब यहां पर आई का क्या है, वो फार पॉइंट है। तो फार पॉइंट माइनस एक्स, क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड, फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव है, तो यहां कनकेव की एफ है, तो यहां से एफ की वैल्यू माइनस एक्स आएगी, नेगेटिव में आएगी क्योंकि कनकेव है। तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, जब न्यूमेरिकल में ये गिवन होगा कि एक डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, जो कि नॉर्मल आई का क्या होता है, इन्फिनिटी, पर डिफेक्टिव आई का सिर्फ 50 सेंटीमीटर है, तो कहेगा चश्मे की फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस 50। न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करना, वही उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, डन। तो ये पहला न्यूमेरिकल आएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो रिजल्ट याद हो जाएगा, थ्योरी कुछ नहीं करनी, बस ये पता होना चाहिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब कई लोग ओल्ड एज में स्पेशली पास की नजर खराब हो जाती है, अखबार नहीं पढ़ पाते, ऐनक भूल जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे पढ़ते हैं चीज को दूर से रख के, ऐसा क्यों रखते हैं? देखो, जो नॉर्मल आई है ना, जो नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर पे नॉर्मल चीजों को रेटिना पे बना देती है, पर ये जो डिफेक्टिव आई है, जब 25 सेंटीमीटर पे रखा जाता है नॉर्मल पॉइंट पे, कोई किताब रखी जाती है, उसकी इमेज यहां बनाने की बजाय पीछे बना देती है। दूर की नजर खराब है तो आगे बनती है, पास की नजर खराब है तो पीछे बन जाती है, ये भी ब्लर दिखता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी किताब को 25 सेंटीमीटर से दूर रख लेते हैं ताकि इमेज लेफ्ट शिफ्ट हो जाए और रेटिना पे बन जाए। तो आपने देखा होगा वो थोड़ा पीछे पीछे रख के पढ़ते हैं ताकि ठीक लगे, तो इसलिए उनको दिखना स्टार्ट हो जाता है, पर ये कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो भी किताब को 25 सेंटीमीटर पे रखना पसंद करेंगे, हम क्यों ऐसे पढ़ें, तो चश्मा लगा लेते हैं। तो ये उन्होंने चश्मा लगाया जिसमें क्या लगा होता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस है वो किताब को 25 सेंटीमीटर पे ही रखेगा, 25 पे ही रखेगा, पढ़ने वाला बंदा 25 पे रखेगा, पर लेकिन डिफेक्टिव आई तो नहीं बनाएगी सही। चश्मा क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट मान लेगा और इसकी इमेज शिफ्ट करके वहां बना देगा जहां उसकी इमेज रेटिना पे आई पे बनती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। जो डिफेक्टिव आई है ना, जो पास की चीजें नहीं देख पाती, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं होता, मान लो 40 सेंटीमीटर होता है, तो वो लेंस चश्मा क्या करता है, पास का चश्मा ऑब्जेक्ट को 25 पे रख के इमेज 40 पे बना देता है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि जो डिफेक्टिव आई है वो 40 पे ही चीज को रख के इमेज रेटिना पे बनाती है। तो चश्मा सिर्फ धोखा दे रहा है उस लेंस को, आई के लेंस को। चश्मा क्या करेगा, किताब रखो 25 पे, उसकी इमेज बनाएगा 40 पे, ताकि इमेज फाइन, जो आंख का लेंस है उसको ऑब्जेक्ट मान के इमेज कहां बना दे, रेटिना पे। तो कुछ नहीं कर रहा, जहां आंख देखना पसंद करती है बस वहीं इमेज बनती जा रही है, चश्मा सिर्फ इतना ही काम कर रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस लेंस ने क्या किया, इस लेंस ने, ये ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे और इमेज कहां पर बनाई उसने, नियर पॉइंट पे। तो इसका न्यूमेरिकल देख लो एक मिनट, ध्यान आगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा ऑब्जेक्ट कहां रखना है, डी पे, डी पे, डी कोई डिस्टेंस है,
जैसे आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, कोई किसी की पास की नजर खराब है और वो किताब को 30 सेंटीमीटर पे रखता है, अब जरूरी थोड़ा ना 25 पे रखेगा, 30 पे रखे, 25 पे रखे, 27 पे रखे, तो यू उसके लिए क्या होगा, माइनस डी। तो ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये लेंस क्या करेगा, इमेज कहां बनाएगा, उसके नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट क्या था, ये नियर पॉइंट है एन डैश, ताकि इमेज बिल्कुल सही बने। तो नियर पॉइंट यहां पर क्या है, वाई, तो इमेज बनेगी वाई पे। तो आप लेंस का फॉर्मूला लगाएं, वैल्यूज को पुट करें, तो ये आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी इस कन्वेक्स लेंस की। इसमें डी का मतलब किताब कहां रखी, वाई का मतलब नियर पॉइंट क्या है उस डिफेक्टिव आई का। तो ये आपके पास इसका जो है फॉर्मूला बनेगा। दूर की नजर खराब है तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, वही फार पॉइंट है, वही फोकल लेंथ है, कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर पास की नजर खराब है, फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। जैसे व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टिकल्स हैव फॉर अ पर्सन हूज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50 सेंटीमीटर। अब ये क्या चीज है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है कि जहां डिफेक्टिव आई सही इमेज बनाती है रेटिना पे, जो कि 50 है, यानी कि वो डिफेक्टिव आई है ना, लेकिन किताब को रखा कहां जाएगा, 25 पे। तो यू 25 है और लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उसका नियर पॉइंट है, तो लीज डिस्टेंस का मतलब उसका नियर पॉइंट जो आंख सही इमेज बनाती है, तो वी यहां पर क्या होगा, यानी कि माइनस 50। ये पॉइंट क्लियर है, किताब रखनी है माइनस 25 पे, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको माइनस 50 पे बनाएगा। तो लेंस का फॉर्मूला लगा लो, फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव आंसर। मतलब मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं लेंस फॉर्मूले से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। दो तो डिस्टेंस है, पहला किताब कहां रखनी है और दूसरा उसका लीज डिस्टेंस क्या है, कि जहां पर उसको डिफेक्टिव आई सही देख पाती है। फिर से देखो, पर्सन वियर्स अ ग्लासेस ऑफ पावर, नेगेटिव पावर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, कनकेव है, कनकेव का मतलब दूर की नजर खराब है, ठीक है। इफ इज अ पर्सन फार या नियर साइटेड, नियर साइटेड, दूर की नजर खराब है तो नियर साइटेड। तो कह रहे फोकल लेंथ क्या है, पावर का रेसिप्रोकल ले लो तो फोकल लेंथ आ गई, एक आंसर आ गया। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन, क्या किया था, जब दूर की नजर खराब है वही फोकल लेंथ है और वही फार पॉइंट है, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा लिख दो -40, वही फोकल लेंथ है, वही फार पॉइंट है, सही है यहां तक। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। जैसे फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80, नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, इस बंदे का फार पॉइंट कितना है, 80। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, मुझे एक बात बताओ, जो फार पॉइंट है वही फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या है, पावर है, आंसर ठीक है यहां तक। तो एक आंसर है, ये लो आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, नियर पॉइंट, ध्यान आगे प्लीज, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल आंख का नियर पॉइंट होता है 25, इस बंदे का कितना है 75, 75 पे किताब रखेगा तब जाकर रेटिना पे सही बनेगी इमेज। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, ताकि वो एक बुक को क्लियरली पढ़ सके। अब बाय डिफॉल्ट किताब को कहां रखेगा, -25, ये गिवन नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट ही है, और उसके डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट क्या है, 70, तो इमेज कहां बनाएगी वो कन्वेक्स लेंस, इमेज कहां बनाएगा, 75, तो निकाल देना फोकल लेंथ आ जाएगी इसमें इतनी और रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, पावर।